हाँ जी वीर जी, तुसी देख रहे हो मेरे हाथ च आंडे। ये जा रहे हैं जी ग्रीस कंट्री, तो अज असी थानू दसांगे कि आंडे जिहड़े आ पैक करके बाहर किस तरीके भेजे जा रहे हैं। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हाँ कि इंसान कामयाबी के झंडे कढ़दा है ना। यकीन कर लो फिर कबूतर दे की बच्चे दे की आंडियां दा भी मुल लगता। सो आई फील प्राउड कि मैं बड़ी ही दयानदारी नाल मेहनत की और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्तों शिकारियों नूं दिता, जिथों मालूमात भी मिली, अच्छे परिंदे भी मिले। और अज यह दसवां ग्यारहवां कंट्री है जिथे अपने घर के अपने पिजन्स के आंडे जिहड़े अभी जा रहे हैं। सो अज थानू आंडे पैक करन दा तरीका भी दस दें, तो नाल नाल गल्लां बातां भी चलणगियां। यह आटा मैं इस दे विच पा लिया, तो पूरी वीडियो थानू यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। अगर मेरा कैमरामैन तुहानू दिखा सके, आंडे मैं इस तह दे नाल इस तरीके नाल विच इन्हां नूं सीधे ही रख रहा इसे तरीके। एक तो आंडे जिहड़े आ इह हिलने नहीं चाहिए थोड़े इस तरह, ठीक है। यह बराबर तह दे विच मैं इस तरह खबो दिते ने, इस दे विच तुसीं नोट कर रहे हो। ए जी नाल नाल पैकिंग हो रही है, तो नाल नाल दोस्तों नाल हल्के फुलके शिकवे गिले भी शेयर होने हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान उही वधिया हुंदा है जिहड़ा किसी ते कमेंट ना करे, किसी की जात ते इल्जाम तराशी ना लावे, खामोशी दे नाल अपनी मेहनत करे, फिर उसकी कामयाबी है जिहड़ी शोर मचावे। आई फील प्राउड कि जिस मकसद लई आपां कबूतर परवरी दे विच आए थे, शौक नूं अपडेट करन लई, शौक नूं वधाउण वास्ते, वह अल्लाह ताला दी ज़ात दा करम होया। सो आपां जिहड़े आ वो कर रहे हैं। यह तुसीं देख रहे हो जी आंडियां दी मैं तह जिहड़ी आ ला दित्ती आ। इह 10 आंडे ने जिन्हां दी मैं तह थले ला के, ते इह विच जिहड़ा ना हुण ते आटा पा रहे हैं। आटा इस करके पा रहे हैं, एक ते जिहड़ा बिल्कुल हिलू नहीं, और सीधे मैं इस करके रख दिते ने कि अंदरों जिहड़े आटा ना इन्हां नूं मजबूती भी रखेगा। हुण यह तुसीं देख रहे होगे कि यह आंडे जिहड़े ने इस तरीके ना अस भाई क्यों रखे ने, मेरी जान यह आटे दे विच बंद कर दिते ने। यह 7 आंडे ने, यह आपां तूड़ी दे विच बंद कर दिते ने। इस दी हवा कढ के बिल्कुल ही अच्छे तरीके दे नाल यह लो, यह आंडे भी आपां इसे तरह सेम रख दिते ने। सो इस दे विच बकाया आटा आपां पा देना है, ठीक है जी। यह आटे दे नाल आपां इन्हां नूं बंद कर दिता है। काफ़ी दोस्त कहते होने आसफ भाई जड़ा ना कमाल ही कर दिता है, देख लो तुम यह बॉक्स आटे का भी भर दिता है। हूँ बिल्कुल ईजीली दुनिया के किसी भी कंट्री तुम लैके जा सकते हैं। उत्तों आप ढक्कन जड़ा है बंद कर दिता है, और इस तो बाद इसकी एक होर पैकिंग होनी है डब्बे वाली, डब्बे के थोड़ी भर के फिर ये जड़ा ना ईजीली जिस मर्जी कंट्री लै जाओ। और चलो वीडियो के मैं इनफॉर्मेशन भी दे देव कि अपने 90% जिन्हें भी आंडे बाहर जाते हैं उन्होंने बच्चा निकलता है। उसकी वजह पता की है, काफ़ी दोस्त जोड़े आ कबूतर के थलों आंडे चाह के दे देंगे ने, किसी बुत पिया होंगे वा, किसी बच्चा बनया हों वा, उन्होंने हवा लगती है मर जाते हैं। सब तो अच्छा तरीकाकार यह है जो कबूतरी आंडा दे ना फोरन चाक के सैड पर कर दो, उन्हों उत्ते पखड़ना दो, उन्हों गरमैश ना आंडे आन दो। जो गरमैश आ गई ना फिर आंडे च बच्चा बनना शुरू हो जाता है। सो जो भी तुसी कितने आंडे भेजने यह रख लेने, जो आंडा चक के तुसी सैड पर रख लिया ना, फिर भावें महीने बाद जाके तुसी कबूतर के थले रखो, उसदे च बुत बनूगा, उस दे विच आंडा पाऊगा। चलो हुण मैं दूसरे तरीके नाल तुहानू अपने दोस्तों नूं मिसाल दे के समझा दिंदा कि जदों तुसी मुर्गी दे आंडे लैंदे आ, देसी कुकड़ी दे कह लो, वह चक के आपां सैड ते रखी जांदे आ, सैड ते रखी जांदे आ, या असील कुकड़ां दे आंडे। फिर जदों कुकड़ी कुड़क ते आंदी आ, कुड़ 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 बोलण लग पैंदी आ, आपां सारे आंडे चक के उहदे थले रखदे आ, और उत्ते उहनूं बिठाउंदे आ, और ईजीली बह जांदी आ। वह आंडे तकरीबन इस ड्यूरेशन चों महीना जिहड़े आ पए रहिंदे आ, जदों तक कुड़क मलदी नहीं जां कुड़क ते आंदी नहीं हैगी। सो यह प्रोसैस है, थानू तुसी आंडे जिहड़े आ फोरन मादियां दे थलों चुको सैड ते रख दो, फिर जिस कंट्री जिस जगह भी तुसी लैके जाना चाहते हैं या पलाना चाहते हैं उन्हां दे थले रख के जिहड़ा तुसी वो पला सकते हो। ते शिकवे गिले ते मैनूं बहुत ज़्यादा रहे हैं दोस्तों नाल जिहड़े इखलाकियात तो गिरते हैं,
तरह तरह के इल्जाम लाते हैं। देखो जदों तक इंसान के सह ने ना, जदों तक इंसान च जिंद है उदों तक थोनू गालां भी पैंदियां, उदों तक थोड़े ते इल्जाम भी लगते हैं, उदों तक तुसीं जिहड़ा बर्दाश्त करना ही है। मुरदा नू अज तक किसी ने किया नहीं पे गंदा वा, इहदे काम गंदे, इहदे काम सही नहीं। हमेशा जिंदा इंसान नू ही इल्जाम लाते हैं, वह मर्दां ते लगते और मर्द ही चलते हैं। सो इन्हां चीज़ों तो कदी ना परेशान होवो कि असीं कोई कारोबार करते हैं, असीं मतलब कबूतर उड़ाते हैं या कबूतर रखे ने, थानू गल्लां नहीं होणगियां। गल्लां जदों तुसीं कामयाब होण लग पोवे समझ लो थानू गालां पैण लग पईआं। थोड़ी कोई एक वीडियो भी वायरल हो जाए ना, का वह तुसीं नेक नीति ना अच्छी नीयत ना ही बनाई है, वह मस्जिद दे विच भावें बैठ के नहीं बनाई, वह जिहड़ा ना थानू लोगों ने उत्थे भी नुक्ताचीनी शुरू कर देनी है कि सही तरीके नहीं बैठा है, मस्जिद जाके भी यह काम है इसनों इदा इदा। सो कमेंट करने वाले करते रहेंगे, चस्ता वा ना, तुम किसी को कुछ कहो ना, किसी तो थानू गिला हो, ना किसी वाल तुम देखो, ना थानू किसी का पता हो, खामोशी के नाल अपनी लैन चली जा रहे हैं। वो कहें होंगे भी हाथी लंघ जाते हैं, कुत्ते भौंकते रहेंगे होंगे। सो मैं ये मैसेज भी देना चाहता सी, देखो मेरी हर वीडियो 400+ मेरी वीडियोज़ ने यूट्यूब चैनल पर। सो किसी एक दे विच मैं देख लो, तुसी मेरी जात नू लैके देख लो कि मैं बंदे ने किसी की जात ते अटैक किया हो, किसी नू चैलेंज किया हो, या मैं किसी नू कहा हो कि यार यह बंदा नहीं सही है, ये करैक्टर लैस है। मैं हमेशा मेहनत करने वाले नू अच्छा समझना, जेडे फजूल किसी ते कमेंट करके किसी की जात नू उछाल के अपना जेड़ा ना कामयाबी लभदे ने, वो सारी जिंदगी फिर वो चोर रहिंदे ने, अपने आप को भी कोसते रहेंगे ना, उन्होंने तो उन्होंने फैमिली खुश होंगी है ना, उन्होंने वो अपने आप तो खुश होंगे। असल च कामयाबी ये नहीं है कि थोड़े को बड़ा पैसा है, बड़िया गड्डिया, असल च कामयाबी यह है कि थोड़ी जात तो तुसी अपनी तो मुतमन कहने कि खुश रहने। सो मेरा मकसद सिर्फ कबूतर उड़ाना या नुस्खे देना या आप फकियां बेचना ही नहीं है। अलहमदुल्ला एक लॉयल और खानदानी इंसान, जो भी एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस तजर्बा होंगे मेरा लाइफ के, मैं अपने दोस्तों शेयर करना और पंजाबी हाँ अलहमदुल्ला, आई फील प्राउड टू बी अ पेंडू एंड पंजाबी। सो बड़े बड़े बिजनेस भी किए हैं, पूरे पंजाब की डीलरशिप से अपने को प्राइवेट शूज़ की, बाटा सर्विस का किया, डेयरी फार्मिंग की है, जिमीदारा किया है, लेकिन उन्होंने कितने ना कि मैं परेशानी बनती थी। सो पिजन्स का आप काम किया, फिर पिजन्स के बहुत सारा लोगों दोस्तों ये भी परेशानी सी, आसफ भाई सानू कोई नुकसे नहीं दसता, आसफ भाई सानू ठंडा पानी नहीं कोई दसता, कोई कोई उस्ताद सानू सही तरीके गाइड नहीं करता। तो मैं वाहत बंदा सी जिन्हें ऑनलाइन दोस्तों सिखाना शुरू किया, ठीक है, और इस पर भी लोगों ने कमेंट किए कि यार ये सिखाने के पैसे लेंदा, भाई सिखाने के नहीं पैसे लेंदा। मेरी यूट्यूब चैनल खोल के देख लो किन्ने फार्मूले मैं दसे हुए ने, कस्तूरियां दसिया हुई ने, मजूना दसिया ने, ठंडे पानी गर्म पानी दसे हुए हैं। जे मैं पैसे लेंदा नुकसान के, तो नुकसे तो मैं यूट्यूब फ्री दिंदा, भाई ये कॉस्ट जी है टाइम की है, और टाइम इज़ वैल्यू, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड राइटली ब्रदर, थानू समझ आ रही होनी है। अगर कोई दोस्त मेरे नाल जुड़ के ब्रीडिंग सीखना चाहता है या कबूतर परवरी सीखना चाहता है, कबूतरबाजी सीखना चाहता है, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं +92301718163 इन पंजाबी +92301 7181613। तुम पुरसकून हो के ब्रीडिंग सैटअप देख रहे हो, माशाला वधिया अपना जिहड़ा केजेस ने दाना पीना कबूतर ब्रीडिंग कर रहे हैं अपनी। सो टाइम देना पैंदा है, जो तुम टाइम देंगे ना फिर टाइम थानू हर चीज़ दे दिंदा जिहड़ी तुसीं चाहत रखते हो। तो मैं कभी गल्लां बातां नहीं कीतियां यार, ना गल्लां बातां सुनना आपां पसंद करते हैं, गप्पियां नूं नहीं पसंद करते, काम वाले बंदे हैं, कोई दोस्त राबता भी करता सब तो पहले अगले नूं गेम दसदी है भाई आ चीज़ां ने ये लिख ला तेरे काम आउंगियां, जिंदगी का कोई पता नहीं इस तो वध के मुखलसपन की हुंदा है। बाकी सारे दोस्तों लव यू, इंजॉय एवरी सेकंड ऑफ लाइफ बिकॉज देर इज़ नो लाइफ आफ्टर दैट, सो डोंट रिस्क ऑन द रोड, लव यू।